ये सम्मान श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले प्रथम इनके नाम से दिया जा रहा है। राजे रघुजी महाराज ने जो भी राज्य का विस्तार किया, उस विस्तार में बहुत बड़ा योगदान उनके गुप्त हीरो का था, जो उनको अलग अलग खबरें देते थे और उसके ऊपर उनकी रणनीति तय होती थी करके वो सम्मान हम पत्रकारिता या मीडिया क्षेत्र में हम उसको देते हैं। इस वर्ष साहित्य क्षेत्र में श्री वी सर जोक्स साहब को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले ने श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज उर्फ अप्पा साहब इनके नाम से हम ये पुरस्कार से उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास और साहित्य क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान का संबंध साहित्य और इतिहास से आता है और इसीलिए उनके नाम का ये सम्मान हम इस क्षेत्र में वी सर जोग साहब को दे रहे हैं। माननीय गिरीश जी उपाध्याय जो वर्धा से हैं, मैं उनको भी आज उनकी उम्र देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी वो जवान है, क्योंकि आज भी क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान उनका है। मुझे लगता है ये अबव 73 और हर वर्ष ये कुछ न कुछ मेडल सिर्फ महाराष्ट्र में खेल के नहीं, महाराष्ट्र के बाहर खेल के भी लाते हैं। एक क्रीड़ा में नहीं, दो तीन क्रीड़ा में वो हर वर्ष वो हमारा विदर्भ का नाम ऊंचा करते हैं, महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं। इसलिए इस वर्ष उनको श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले चतुर्थ इनके स्मरणार्थ ये सम्मान दिया जा रहा है। चतुर्थ राजे रघुजी महाराज मुझे लगता है बहुत जन उनके बारे में जानते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना बात नहीं है। वो क्रीड़ा क्षेत्र में कुश्ती में उन जिनके पहलवानों ने इंग्लैंड में धूम मचाई, क्रीड़ा क्षेत्र में उत्कृष्ट उनका कार्य रहा है और बढ़ावा भी उन्होंने उस क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत से लोगों को उन्होंने उस वक्त सहयोग किया है, इसलिए उनके नाम से ये पुरस्कार श्री गिरीश उपाध्याय जी को दिया जा रहा है। संगीत और वादन क्षेत्र में श्री नरेंद्र नाथ मेनन जो कि मुंबई से है, इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र भी नहीं तो महाराष्ट्र के बाद हमारे भारत के बाहर भी इन्होंने अपना नाम रोशन किया हुआ है और इसीलिए उनको श्रीमंत राजे फतेह सिंह राव महाराज भोसले इनके नाम से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमंत राजे फतेह सिंह राव महाराज भोसले ये संगीत के बहुत प्रेमी थे, खुद भजन उनका हर शनिवार को और एकादशी को खुद भजन बहुत से सहयोगी के साथ उनका ये रहता था, सुरों का बहुत बड़ा ज्ञान था और इसलिए ऐसे क्षेत्र में श्री नरेंद्र नाथ मेनन जी को उनके नाम से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच श्री मुकेश कुकड़े जी जो कि नागपुर से है, पत्रकारिता के छाया चित्रकार के रूप में उन्हें आज हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है फोटोग्राफी छाया चित्रकार या दूरवाणी चित्रकार का बहुत बड़ा सहयोग होता है और उसी के ऊपर हमें जो भी खबरें आती है या हमें जो भी देश की मालूमात होती है ये दोनों के सानिध्य से ही होती है और इसलिए उनको श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज उर्फ चिमना बापू इनके स्मरणार्थ ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। खंडोजी महाराज खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छी चित्रकारिता खंडोजी महाराज करते थे। उन्होंने आप जानते हैं कि यहाँ हड़पक गणपति उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उसकी शुरुआत भी खंडोजी महाराज ने की और इसीलिए एक अच्छे छाया चित्रकार को हम ये सम्मान हर वर्ष उनके नाम से इस वर्ष मुकेश कुकड़े जी को हम ये सम्मानित कर रहे हैं। अनिल पालकर जी जो कि नागपुर से है,
उन्हें श्रीमंत राजे अजीत सिंहराव महाराज भोसले स्मरणार्थ वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने नाटक क्षेत्र में नागपुर का ही नहीं, महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत का ही नहीं, भारत के बाहर भी उन्होंने नाम रोशन किया है। जानता राजा आप सब जानते हैं, उसमें शिवाजी महाराज की बहुत बार भूमिका पुरंदर साहब के नेतृत्व में इन्होंने की है। साई बाबा करके इनको बहुत लोग जानते हैं कि साई बाबा का जो पिक्चर और साई बाबा सीरियल में उत्कृष्ट साई बाबा का काम इन्होंने किया हुआ है, और विविध नाटकों में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और इसीलिए उनका यह नाटक सिर्फ नागपुर महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं पर उसके बाहर भी ये प्रख्यात हुए हैं। इसलिए इस वर्ष उनको श्रीमंत राजे अजीत सिंहराव महाराज भोसले स्मरणार्थ में ये वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य के लिए ये सम्मान किया जा रहा है। श्रीमंत अजीत सिंहराव महाराज उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए पर उस कार्य की उन्होंने कभी कहीं पे भी उस कार्य का गौरव होना चाहिए, उस कार्य को जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में कभी उन्होंने सब गुपित कार्य किए, लोगों की सेवा की, ग्रामीणों में जमीन उन्होंने अस्पतालों के लिए दान की, बहुत से कलाकार बहुत से लोग आते थे उन्हें गुप्त रूप से बहुत मदद की, और इसीलिए उनके स्मृति प्रीत्यर्थ हम यह सम्मान श्री अनिल जी पालकर इनको दे रहे हैं। 18 वर्ष के नीचे हम दो सम्मान देते हैं क्योंकि ये तो इनके कार्य सब बड़े हैं, बड़े कार्य बहुत अनुभवी लोग हैं, पर बच्चों को भी आगे उनके जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए हम दोस्त पुरस्कार उनको हर वर्ष देते हैं। रुमाली मृदुल मोहन घनोटे ये हमारी नागपुर की बच्ची है, इनको महाराणा प्रताप के स्मरणार्थ हमारे ठाकुर किशोर सिंह बैद जी की पहल से हम ये पुरस्कार उनको देते हैं। ये वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। बच्चों में भी बहुत से ऐसे गुण हैं, बहुत से ऐसे कार्य वो करते हैं पढ़ाई के बाद भी कि उसका भी गुणगान होना बहुत जरूरी है। ये बच्ची ने भी सिर्फ विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी अपना नाम इस उम्र में रोशन किया है, और इसीलिए इसको इस वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य से इस वर्ष सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी हितवी विनय शाह ये जो मुंबई से आई हुई है, इसको श्रीमान छत्रपति राजे संभाजी महाराज भोसले स्मरणार्थ क्रीड़ा में इसको सम्मानित किया जा रहा है। ये बच्ची ने बहुत रिकॉर्ड किए बॉम्बे में, और एक खेल नहीं दो तीन खेलों में ये हमेशा आगे रहती है। इसकी उम्र के हिसाब से इसके अगर रिकॉर्ड हमारे जब इनका सम्मान होगा इनके बारे में, जब तक इनका सम्मान होते रहेगा इनके अचीवमेंट के बारे में बताया जाएगा। इनको इस वर्ष छत्रपति संभाजी महाराज भोसले स्मरणार्थ, आप जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का त्याग, छत्रपति संभाजी महाराज का कौशल्य, एक भी लड़ाई जिस व्यक्ति ने हारी नहीं, अपने कार्य में सदैव अग्रसर रहे, भूतभूषण जैसे 14 ग्रंथ उन्होंने लिखे, 14 भाषाओं का जिनको ज्ञान था, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज की स्मृति में हम कुमारी हितवी विनय शाह को इस वर्ष सम्मानित कर रहे हैं।